नमस्कार, आमने सामने में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ हैं महिला एवं बाल विकास विभाग के निदेशक डॉक्टर पृथ्वीराज सिंह। डॉक्टर पृथ्वीराज, आपका स्वागत हमारे नमस्कार, कार्यक्रम आपका भी में। स्वागत है। महिला एवं बाल विकास विभाग, ठीक है, इसको कहने को तो जी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों में ही देश का ही नहीं, मैं तो कहूँगी पूरे संपूर्ण विश्व का भविष्य है। लेकिन जब इसके हम लोग एक्चुअलिटीज़ पर आते हैं ना, तो ये देखते हैं, अभी आप दे लीजिए, बजट कट कर दिया इसका। महिला एवं बाल विकास विभाग मिलकर के लगभग 2/3 जो आबादी होती है राज्य की या इस कंट्री की अपन बात करें तो उसको ही कैटर करते हैं। और इनफैक्ट जो बजट कट करने की बात है, मैं समझता हूँ जो डिवोल्यूशन जो स्टेट्स को हुआ है 10%, जो 32 से बढ़ा करके 42% जो डिवोल्यूशन केंद्र सरकार ने किया है, आप इसको कट नहीं माने बल्कि राज्य सरकार को ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिली है। इसमें राज्य सरकार अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप जो योजनाएं बना सकते हैं, कुछ योजनाओं को बंद कर सकते हैं, कुछ तो नई योजनाएं चालू कर सेंट्रल सकते मिनिस्टर हैं। मेनका गांधी क्यों नाराज हैं, और वो क्यों कह रही है अरुण जेटली जी को कि आप इसको बढ़ाइए? इसमें आप इस तरह से देखें कि इसमें राज्य सरकार का जो तय करने की जो पावर है वो बढ़ गई है और सेंट्रल मिनिस्टर की कम हुई है, तो इनफैक्ट स्टेट में इसमें कोई नुकसान नहीं हुआ चाहे हम लोग बल्कि ये तो नेशनल फायदे की न्यूट्रिशन बात हुई। मिशन की बात करते हैं, जो कि 900 करोड़ की है, चाहे इंक्रीज इन ऑनोरेरियम्स ऑफ ANMs की बात करते हैं, ये दोनों कार्य होंगे। केवल ये ही नहीं, इसके अलावा हमको जो पूरे विभाग और उसकी जो कार्यशैली है कि जिस तरह से हमने पिछले 35-40 साल में इसको हमने इंट्रोड्यूस किया, इम्प्लीमेंट किया, और उसकी वजह से जो जो परिणाम हमारे पास आने थे, जो अंडर न्यूट्रिशन में कमी होनी थी, न्यूट्रिशन स्टेटस इम्प्रूव होना था, जो नहीं हुआ, स्वास्थ्य जो जितना होना चाहिए था उससे काफ़ी कम रहा है, उसको जो बदलने के लिए, उस परिणाम को और अच्छा लाने के लिए अगर हम उसके तरीके और विधियां नहीं बदलेंगे तो मैं समझता हूँ परिणाम भी वही रहेगा। और इसलिए जो ये जो बदलाव किया गया है वो क्या स्वागत योग्य एक है। एक कॉन्क्रीट ऑन ग्राउंड एग्जाम्पल क्या बदला? जैसे मैं आपको बताऊंगा कि पूरे भारत में एक ही स्ट्रेटेजी काम ली जाती है, जबकि हर राज्य में वहाँ का खान पान अलग है, फूड हैबिट्स अलग है, वहाँ कल्चरल हैबिट्स अलग है, वहाँ की ज्योग्राफिकल कंडीशन अलग है। तो राजस्थान की जो डाइट है, जो चीज़ राजस्थान के लिए अच्छी हो सकती है वो शायद तमिलनाडु या मेघालय के लिए नहीं हो सकती है। तो अब ये फ्लेक्सिबिलिटी राज्य सरकार के पास ज़्यादा रहेगी, तो मैं समझता हूँ ये जो बदलाव जो डिवोल्यूशन के साथ जो कुछ स्कीम्स बंद करने की या उसको रीमॉडल करने की या नई स्टार्ट करने की जो है वो ज़्यादा ज़्यादा तो फ्लेक्सिबिलिटी हम ये स्टेट माने गवर्नमेंट को कि जो देगी। ये कथित तौर के ऊपर बजट कट, एलोकेशन ऑफ फंड्स में जो कट आ रहा है बजट में, आप कह रहे हैं कि उसके साथ उसके कोई असर नहीं पड़ने वाला है विमेन एंड चाइल्ड विभाग के ऊपर? मैं तो ये कहना वाला हूँ कि इसका पॉजिटिव प्रभाव पड़ने वाला है और हमको ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलने वाली है कि हम नई स्कीम चालू करें और ऐसी स्कीम चालू करें जो राज्य वो के जो लिए हित का शॉर्टफॉल हो। है सर 10% का, वो राज्य सरकार को पूरा करना पड़ेगा। राज्य सरकार को इनफेक्ट केंद्र सरकार आज लमसम राशि राज्य सरकार को भी वो उपलब्ध करा रही है, फिर राज्य सरकार तय करेगी कि वो राशि जो जो कट कर रहे हैं वो किस विभाग को और कितनी अलॉट की जाए, किस स्कीम को की जाए। तो तो इनफैक्ट अभी कोर्ट सर राज्य सरकार का काफी सारा जोर आ रहा है कि जो आप लोग प्री प्राइमरी एजुकेशन स्टार्ट करना चाह रहे हैं आंगनवाड़ी केंद्र में, 0 to 6 years, ये वाला एज ग्रुप ICDS जो आपके अंडर आता है, ये वाले बच्चे आपके केयर में आते हैं डायरेक्ट, सही प्री कह रही हूँ मैं? प्राइमरी स्कूल जो बात कर रहे हैं हम, जिसको अर्ली स्कूल एजुकेशन भी कहते हैं, तो ये जो 2013 में भारत सरकार ने एक ECC पॉलिसी जो लागू की थी, और आप अगर पूरी स्टेट कंट्री में देखेंगे तो किसी भी राज्य में जो ECC को इतना एम्फेसिस नहीं दिया गया है, केवल थोड़ा बहुत अगर एम्फेसिस दिया गया है तो तमिलनाडु में दिया गया है, थोड़ा बहुत गुजरात में दिया गया है। राजस्थान राज्य केवल ऐसा है जिन्होंने कैबिनेट में जो ECC को जो है जो रूल्स ऑफ बिजनेस में इसको डाला और उसके तहत ICDS को इसको रेस्पॉन्सिबल बनाया। जो 3 साल से छः तो साल के जो बच्चे हैं उनके लिए अब आप आंगनवाड़ियों में स्कूल खोलेंगे? उनके लिए आंगनवाड़ी को प्री स्कूल एक्टिविटी, बेसिकली ये फॉर्मल स्कूल नहीं होकर के स्कूल जाने से पहले बच्चे को शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, उसकी जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है या उसकी जो मांसपेशियों का विकास है वो कैसे हो उसके बारे में इसका फोकस सर रहेगा। अभी राजस्थान स्टेट बोर्ड के रिजल्ट आए थे, आपने भी देखे होंगे, है ना? कोई भी गवर्नमेंट स्कूल उसमें कहीं भी टॉपर्स में नहीं है, ठीक है? आंकड़े शायद मुझसे ज्यादा आप जानते होंगे, क्लास 5वीं के बच्चे दूसरी क्लास की कक्षा की किताब नहीं पढ़ सकते 75%, क्लास 3री के बच्चे नॉर्मल सिंपल सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते, 20% का क्लास 2री के बच्चे 0 से लेकर 0 से लेकर 9 तक की गिनती पहचान नहीं सकते। मुझे एक चीज आप बताइए, प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन आप लोग संभाल नहीं पा रहे हैं, किस बलबूते पे आप लोग अब प्री प्राइमरी एजुकेशन में गुजरे? कुछ बेस तो होना चाहिए ना सर, कि देखिए हमने वहां पर इतना अच्छा किया है, गत वर्षों से हम लोग वहां पर इतना अच्छा करें, तो चलिए अब हम छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, बेस क्या है? बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं, मैं भी प्राइमरी स्कूल से ही पढ़ गया हूँ, मैं राज्य सरकार के स्कूल से पढ़ गया हूँ। मैं वो जमाना और था, 10वीं तक मैंने राज्य सरकार के स्कूल से पढ़ गई, उस वो समय जमाना टीचर्स और भी नहीं था। होते थे। अगर आप उस समय में, अब मैं जो
10-12 साल के पीरियड में जो आप डिफरेंस देखेंगे, तो अवेलेबिलिटी ऑफ टीचर्स भी बढ़ी है, सुविधाएं भी बढ़ी है। तो सर रिजल्ट क्यों नहीं बढ़ रहे, बच्चे पढ़ना क्यों नहीं जाते, स्कूल ड्रॉपआउट रेशियो क्यों इंक्रीज होता जा रहा है? आज के दिन कटु सत्य यह है कि सरकारी स्कूल में सरकारी मुलाजिम का बच्चा तो छोड़िए सर, गांव का आदमी भी नहीं पढ़ाना चाहता, वो भी किसी तरह कर करा के फीस देके प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा है। द फैक्ट इज द गवर्नमेंट हैज फेल्ड द एजुकेशन सिस्टम। मैं आपके बात से कतई सहमत नहीं हूँ कि जो ड्रॉप आउट रेट बढ़ रही है, इनफैक्ट ड्रॉप आउट रेट कम हो रही है। एक दूसरा, जैसे जैसे समाज और राष्ट्र में विकास होता है, सर, आप जैसे जैसे उसके पास पैसा आता है, तो लोग उसमें जो बाकी एजुकेशन सिस्टम में भी जाने की चाह रखते हैं। तो ये जो डेवलप जैसे जैसे कंट्रीज होती है, तो ये कॉमन फिनोमेना है, ये कोई नई बात नहीं है। जाने की चाह नहीं रखते, अच्छे एजुकेशन सिस्टम में जाने, अच्छे एजुकेशन में जाएंगे वो, तो ये एक कॉमन फिनोमेना। सरकार मतलब अच्छी एजुकेशन ही दे रही, कुछ कमियां कहीं कहीं रह सकती है। जो आपके अंडर आ रहा है 3-6 प्री स्कूल एजुकेशन, इसमें ये कमियां ना आए, आप कैसे इंश्योर करोगे? सर देखिए, आप खुद मानेंगे कि एक सही शुरुआत बहुत जरूरी होती है, बाद में समेटना बहुत मुश्किल है। आज के दिन हमारे वी हैव गॉट आई थिंक 1828 आंगनवाड़ी सेंटर्स, 61,000 आंगनवाड़ी, देयर यू आर, है ना, उतने हैं नहीं। उसके अंदर जो हम लोग टीचर्स ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, वो आप लोग उसका शायद 20% भी नहीं कर पा रहे हैं, जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए। और आप खुद मानते हैं 3 से लेके 6 और 0-6 वाला ये जो पीरियड है, ये सबसे क्रूशियल है बच्चे के डेवलपमेंट के लिए। अगर इसमें कहीं ना कहीं बेस ठीक नहीं होगा, तो आगे चल के, अभी ऑलरेडी फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेज है, मैं तो कहती हूँ आगे चल के और भी होंगे। लेकिन मेरा आपसे जो अगला प्रश्न है, वो पर प्राइमरी प्री प्राइमरी एजुकेशन पे नहीं है, वो ये है कि आज भी बच्चियों को स्कूल से निकाल कर उनकी शादी कर दी जाती है। क्या ये आपके एरिया में आता है या नहीं, ये हम आपसे जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हम ब्रेक के बाद अभी वापस आते हैं, आप लोग देख रहे हैं आमने सामने। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आज का भी कटु सत्य यह है कि राजस्थान में शायद भारत में सबसे ज्यादा बाल विवाह होते हैं। तो सर देखिए, हमारे ये जो राजस्थान और MP है, इसमें मैक्सिमम हमारे यहाँ चाइल्ड मैरिजेस होती हैं, और चाइल्ड मैरिज होती है, फिर हमारे यहाँ पे 76% वेमेन एंड गर्ल चाइल्ड आर एनेमिक, फिर प्रेग्नेंट जल्दी हो जाती है, लो बर्थ वेट होता है, मैलन्यूट्रिशन चाइल्ड होता है, सर्वाइवल रेट रो रहता है, तो एक विशेष साइकिल बनता जा रहा है। कैसे इसको ब्रेक करेंगे सर? क्योंकि देखिए, समाज इसको एक्सेप्टेंस देता है, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इनफैक्ट आप तो खुद जानते हैं, हड़ौती रीजन में जहाँ तक की खबरें आई हैं, कुछ आंगनवाड़ी केंद्र की खुद वर्कर्स ने अपने बच्चों की शादियां जल्दी करी हैं कि भाई हमारे यहाँ चलन है। इस तरह की खबर तो हमारे पास नहीं आई है, नहीं हमारे ध्यान में आई है। बट कुल मिलाकर अगर पिछले 10-12 साल में देखें, तो जो एवरेज मैरिज एज है, जो 17 ईयर्स 15 साल पहले हुआ करती थी, अभी जो करीब 19.3 ईयर्स पे पहुंच गई है। तो राजस्थान में भी एवरेज जो मैरिज की एज वो बड़ी है, लेकिन एवरेज तो एक बड़ा आंकड़ा होता है, लेकिन कुछ कुछ आइसोलेटेड इंसिडेंसेस अभी भी देखने को मिलते हैं। लेकिन आपको लग रहा है ग्राउंड लेवल पे फर्क पड़ रहा है? ओवरऑल इम्प्रूव है, लेकिन कुछ कुछ अभी भी है। तो इसमें काफ़ी काम, जो मैं समझता हूँ, सरकार को भी, समाज को भी, और हम सबको मिलकर नागरिकों को भी इसकी करने की आवश्यकता है। तो अभी भी इस फैक्ट को डिनाई नहीं किया जा सकता है कि कई जो नॉर्दर्न इंडिया के स्टेट्स हैं, चाहे बोले मध्य प्रदेश है, चाहे राजस्थान है, अभी भी इसमें बहुत कुछ करने की जरूरत है। सर अभी हम लोग पिछले वाले सेगमेंट में चर्चा कर रहे थे कि भी हम लोग 3-6 में अपन जो प्री स्कूल एजुकेशन शुरू करेंगे, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को आपको उस चीज़ के लिए ट्रेन करेंगे, तो सर उसमें हम लोग ये यंग मदर्स वगैरह को भी ले सकते हैं, थोड़ा और किसी को भी ले लें, जिससे कि कम से कम वो, क्योंकि एक रहता है ना कि खुद एक यंग माँ बनी होती है, उसको पता है कि भाई कितना कुछ छूट जाता है अपनी पढ़ाई वगैरह। इसमें विभाग भी जो इनके जो SHG जो है, उनको वहाँ जो एसोसिएटेड रहते हैं, उनमें भी इनके जो मदर्स का जो है, उनको भी लेने का ये चल रहा है, और वो बहुत अच्छा रहेगा। तो उनके जो पेरेंट का जब तक इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा, जो जिस तरह की हम एक जो नंदगर योजना लेकर के जो आए हैं, उसमें हमारा पूरा एम्फेसिस यही है कि कम्युनिटी का जो इन्वॉल्वमेंट, विभाग और आंगनवाड़ी जो है, जो एक विलेज की लास्ट हेल्थ की आउटपोस्ट भी है, एजुकेशन की भी है, अर्ली लर्निंग की भी है, और न्यूट्रिशन सप्लीमेंटेशन की भी है। जब तक हम समाज की भागीदारी, उनकी जो क्लाइंट जो है, जो बच्चे हैं 0 से 6 साल के, या प्रेग्नेंट मदर्स है, या लैक्टेटिंग वुमेन है, उनको जब तक हम उनके साथ नहीं जोड़ेंगे, तो मैं समझता हूँ जो पूरा एक जो चक्र बनता है बच्चे के, उसको अफेक्ट करने वाले घटकों का, कारकों का, तो वो पूरा नहीं हो पाता है।
तो इसीलिए उसमें पूरे विभाग जो है, मैं समझता हूँ पिछले साल भर से और अगले आने वाले 8-10 महीने में इस तरह की कार्य योजना पे काम कर रहा है कि इसकी जो आउटरीच है आंगनवाड़ी की वो आगे तक बढ़े और समाज का इन्वॉल्वमेंट हो, ताकि इसमें सुपरविजन भी बढ़े और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है। इसीलिए शायद ये दानघर योजना में आप लोग कॉर्पोरेट हाउसेज, एनजीओज, इंडिविजुअल्स को आगे, इंडिविजुअल्स को भी इसमें लिया है। कॉर्पोरेट हाउसेज तो एक पार्ट है उसका, इंडिविजुअल की पार्टनरशिप जब तक नहीं बढ़ेगी तो मैं समझता हूँ केवल कुछ घरानों के आगे आने से नहीं होगा। सर, जैसे आप कह रहे हैं कि इम्प्रूवमेंट हो रहा है पर बहुत धीरे हो रहा है और हमारी आबादी बहुत जल्दी बढ़ रही है, आज भी आबादी हमारी बहुत ज़्यादा है, तो अगर हम लोग जैसे एक मैल न्यूट्रिशन लेते हैं जो कि बिल्कुल टोटली आपके एरिया के अंडर आता है, तो मैल न्यूट्रिशन के लिए अक्सर ये बात होती है कि भाई लार्ज स्केल फूड फोर्टिफिकेशन प्रोजेक्ट्स जो हैं और जिसके अंदर खास करके रहता है व्हीट फ्लोर, एडिबल ऑयल और मिल्क, ये तीन एक ऐसी चीज़ें हैं जो कि ऑलमोस्ट हर हाउस होल्ड में पहुँचती हैं, तो इसका हम लोग कितना यूज़ कर पा रहे हैं? हम लोग एक टारगेट रख के चलते हैं कि भाई हाँ इस टाइम तक हम लोग मैल न्यूट्रिशन को इतना परसेंटेज लेस ला पाएंगे, या आर वी जस्ट सेटिस्फाइड विद व्हाटएवर हैपेंस? इनफैक्ट आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जो टारगेट को रखने की और एक स्ट्रेटेजी के तहत काम करने की जो फर्स्ट टाइम जो ICDS मिशन जो 2013 में भारत सरकार ने लागू किया और राज्य सरकार पिछले 6-8 महीने से इसको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास पूरा कर रही है और मैं समझता हूँ कई घटक उसमें से इम्प्लीमेंट भी किए जा सकते हैं, तो पहली बार जो है स्ट्रिक्ट जो टारगेट्स इन्होंने सेट किए हैं कि अगले जो 10 वर्षों में हमको 10% बेसिस पॉइंट से हमें जो अंडर न्यूट्रिशन के स्टेटस इंप्रूव करने हैं, या 7-8 तरह के इंडिकेटर्स इन्होंने आइडेंटिफाई किए जो कोर इंडिकेटर्स वो इंप्रूव करना है, तो क्वांटिफाइड वर्क और टारगेटेड अप्रोच जो है जो ICDS मिशन का एक महत्वपूर्ण भाग है। नहीं बिल्कुल, और आपने आने के बाद सर बहुत सारा कुछ IT savviness भी लाए हैं, आई थिंक एक चीज से काफी लोग बहुत खुश है कि आई थिंक 43 फॉर्म्स होते थे और आपने उसको 7 कर दिया। हाँ, बिल्कुल, आई थिंक वी आर, हम लोग खुद ही ओवरबर्डन रहते हैं पेपर वर्क से। आप देखें कि राज्य सरकार में या केंद्र सरकार में कहीं पे भी कोई भी सरकारी कर्मचारी 18 से 19 रजिस्टर कहीं मेंटेन नहीं करते हैं, तो इतने सारे रजिस्टर्स और उनका जो MPR वगैरह जो आता है वो इट रन्स इन 137 पेजेस एंड सम 43-44 फॉर्मेट्स और वो रिपोर्ट कोई नहीं पढ़ता फिर। उस MIS को कोई पढ़ भी नहीं पाएगा, नहीं पाएगा। उसमें देर आर 168 जो पैरामीटर्स है जिसको एनालाइज करना पड़ता है। इंस्टेड अगर किसी भी विभाग को हम उसके जो अंदर की चीज को समझ सकते हैं, तो मैं समझता हूँ 8-10 पैरामीटर्स भी अगर हम जो सही अफेक्टेड करते हैं उनको निकाल लेते हैं तो उन पैरामीटर्स के ऊपर भी हम असेस कर सकते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने पूरा MIA सिस्टम जो उसको रिवैम्प किया, सबको हमने पुराने रजिस्टर्स खत्म कराए, पुराने फॉर्मेट्स खत्म कराए, वी हैड ब्रॉट डाउन देम टू जस्ट 1/4 ऑफ द व्हाट वाज एग्जिस्टिंग, और अब उसको हम उसको अगले 1-2 महीने में ऑनलाइन सिस्टम में भी उसको डालने वाले हैं। सर, ऑनलाइन में क्या ये सच है कि कोई ऐसी दिक्कत आ रही है कि जो आपके 62 सेक्टर हैं उसके जो सुपरवाइजर्स की एक वैकेंसी चलने लग रही है और इनफैक्ट जिम्मेवारी उनकी थी ऑनलाइन अपडेशन की, जो कि वो वैकेंसी है सारे वो नहीं कर पा रहे, तो अब आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को इसके लिए भी ट्रेन करें कि आप ऑनलाइन अपडेशन कर पाए? हमने राज्य सरकार से लगभग 236 जो है डेटा एंट्री ऑपरेटर्स लिए हैं, वो हर प्रोजेक्ट में CDPO ऑफिस जो 304 है उनमें भी है और DDs के यहाँ भी है। इसके अलावा हम एक डिजिटल लिटरेसी चला रहे हैं आंगनवाड़ी वर्कर को, वो इसके लिए नहीं चला रहे हैं क्योंकि अगले 4-6 महीने हम ये सोच रहे हैं कि किस तरह से जो ट्रैकिंग सिस्टम है जो माल न्यूट्रिशन चिल्ड्रन का हम किस तरह से करें, क्योंकि जिस तरह से राज्य सरकार ने टाटा ट्रस्ट के साथ और अंतरा फाउंडेशन के साथ एक MOU साइन किया और 2 जिलों में झालावाड़ और सिरोही में उसमें कार्य भी शुरू कर रहे हैं, इसी तरह से कुछ और NGOs के साथ भी इस तरह की बात चल रही है, तो उनमें जब ये फ्रेक्टिफाई होएगा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी ये चाह रही है कि जो इसका जो समथिंग लाइक हैंडल डिवाइस बेस से सम ट्रैकिंग सिस्टम या उनका जो अटेंडेंस सिस्टम कैसे इंप्रूव किया जाए, तो उसका ओवरऑल उसका पार्ट है तो MIS वाज द फर्स्ट स्टेज, और जो हम ट्रेनिंग देने की भी जो उनको डिजिटल लिटरेसी की बात कर रहे हैं वो डेटा फीडिंग के लिए नहीं होकर के उनकी आंगनवाड़ी के स्तर से जो किस तरह से हम मॉनिटरिंग इंप्रूव करें ये उसके लिए। सर, इसमें कुछ यूं भी था कि भाई जैसे जो लोग पढ़े लिखे नहीं है उनके लिए एक पायलट प्रोजेक्ट ई आशा करके लॉन्च हुआ था कि भाई टैबलेट्स के थ्रू आप उनको बताएं कि भाई ताकि उनका हेल्थ और फैमिली वेलफेयर मॉनिटर हो सके, वो प्रोजेक्ट वेंट ऑफ वेल? ये मेडिकल डिपार्टमेंट इसको देखता है और वो इस बजट की घोषणा है मेरे ख्याल से, अब वो दे आर वर्किंग ऑन दैट, और चूंकि ये जो नई चीज़ शुरू करते हैं उसको 6-8 महीने लगते हैं उसको मैच्योर होने में और उसके परिणाम आने में, अभी बहुत अच्छा कंसीव किया उन्होंने और बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है। राजपोषण सॉफ्टवेयर जब आप अभी बता रहे थे तो आपने कहा कि भाई बच्चों को ट्रैक करें मैल न्यूट्रिशन बच्चों को, सर अनफॉर्चुनेटली एक सत्य ये है कि जब भी कोई या तो आपदा आती है या इवन अदरवाइज भी हमारे यहाँ माइग्रेट करते हैं सर लेबरर्स और फैमिलीज, यहाँ से मैंने हैदराबाद तक जाते हैं, गुजरात जाते हैं, जगह जगह जाते हैं सीजन में अपने पिकिंग करने के लिए या कुछ स्पेसिफिक सीजनल कार्य करने के लिए,
और उनके बच्चे भी उनके साथ जाते हैं. इन बच्चों का स्कूल छूट जाता है, इनकी वैक्सीनेशन छूट जाती है, इनके फोर्टिफाइड फूड पैकेजेस छूट जाते हैं. इनफैक्ट इंटरेस्टेड माइग्रेशन, ये हम लोग, क्योंकि सर वो आफ्टर ऑल भारत का नागरिक है, उसको आप कैसे ध्यान रखेंगे हम आपसे जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद. हम अभी वापस आते हैं. जी हाँ, हमारे साथ रहिएगा. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है. भारत एक ऐसा देश है जो 18 साल का होने पर नागरिकता नहीं देता. जिस दिन यहाँ पर एक बच्चा जब पैदा होता है वो भारत का नागरिक होता है, और ये हम सब का कर्तव्य है कि उसका हर राइट प्रोटेक्ट हो. लेकिन नहीं होता सर, क्योंकि ये एक बहुत बेसिक प्रॉब्लम है कि बच्चे जब यहाँ से ट्रैवल करते हैं, मैं आपको राजस्थान का ही बताती हूँ, राजस्थान से हैदराबाद जाते हैं मूर्ति करने के लिए, अपने बच्चों को साथ ले जाते हैं, उन बच्चों की पढ़ाई छूट जाती है, उनकी वैक्सीनेशंस छूट जाती हैं, और जब वो वापस आते हैं ना तो वो यहाँ के ना वहाँ के, ये ईयरली प्रोग्राम है. दिस नीड सम इनोवेटिव क्रिएटिव सॉल्यूशन, क्योंकि रन ऑफ द मिल सरकारी कार्यक्रम में शायद ये नहीं आ पाएंगे. क्या कर सकते हैं? बिल्कुल भी ठीक कह रहे हैं आप. न केवल केवल स्टेट से बाहर माइग्रेशन होता है, बल्कि स्टेट के अंदर भी माइग्रेशन होता है. आप अगर देखेंगे इंडस्ट्रीज टाउन हमारे जो है, इंडस्ट्री बेस्ड टाउन, चाहे भीलवाड़ा है, चाहे अपना कोटा है, या फिर अलवर के जो नया इंडस्ट्री एरिया डेवलप हो रहा है, तो वहाँ भी हमको ये मिलते हैं. तो इसी के लिए हमने जो ICDS सिस्टम स्ट्रेंथनिंग, जो स्निप एक प्रोग्राम हमने जो वर्ल्ड बैंक के सहयोग से 19 जिलों में लागू कर रहे हैं, हमने उसमें एक दो पायलट भी डाले हैं कि जो जो माइग्रेंट लेबर है, माइग्रेंट के बच्चों को उनका जो है प्रॉपर न्यूट्रिशन और जो ICDS की सेवाएँ हैं वो कैसे एग्जीक्यूट की जाए. तो वो अब जो ये अगले एक साल में वो जब चलेगा, और उसके बेसिस पे राज्य सरकार ये मंशा रखती है कि स्निप के तहत बाकी सब जगह भी इसको रिप्लिकेट करें. तो ये आपने बड़ा इशू फ्लैग किया है, और चूंकि स्टेट के अंदर तो हम कर सकते हैं, और बाहर के अंदर बाकी सरकार जो कंसर्न एरिया में आती है वहाँ वो भी करते हैं. एक इसी तरह का इशू अपने यहाँ होता है, जैसे ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, तो कांट द सेंटर गिव सम वेरी क्लियर डायरेक्शंस कि बच्चा चाहे कहीं का हो, कहाँ पर भी हो, आप अगर कहीं जगह आप 2 महीने के लिए भी जाते हैं, तो वहाँ का आंगनवाड़ी जो केंद्र है, वहाँ पे जो भी डिपार्टमेंट है सरकारी, वो कर्तव्यबद्ध है आपके बच्चों को सपोर्ट देने के लिए, जबकि ये नहीं होता है सर. ये बिल्कुल ठीक बात है. पूछते और हमने मेडिकल डिपार्टमेंट भी और ICDS भी, बाहर के बच्चे भी जो आते हैं, जैसे अगर पहला बच्चा किसी लड़की का होता है तो जनरली वो जहाँ अपना पीयर होता है वहाँ माइग्रेट करती है, तो उनका भी रजिस्ट्रेशन होता है और उनका अलग से मेंटेन भी किया जाता है. तो ये सब जगह इंश्योर किया जाता है. लेकिन जो माइग्रेंट लेबरर का इश्यू था, वो चूंकि एक बड़ा इशू है, उसको फर्स्ट टाइम इसको एड्रेस करने का प्रयास किया जा रहा है. सर हम उम्मीद करेंगे, क्योंकि अदरवाइज सर वो जो मैं एक विशेष साइकिल की बात करती हूँ ना, फिर वो सर लेबरर का बच्चा लेबरर ही बनेगा. हम लोगों को उन्हीं को तो पढ़ा के लिखा के आगे लेके आना है. आप ये मानते हैं? हाँ बिल्कुल. जब तक हम उस विशेष साइकिल को नहीं तोड़ेंगे और हम उसको अंडर न्यूट्रिशन से भी बाहर नहीं निकालेंगे, एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी भी नहीं देंगे, तो इश्यूज तो वैसे के वैसे रहेंगे. माइग्रेशन जैसे आपने कहा सर, कई बार स्टेट से होता है, लेकिन कई बार इंटर स्टेट भी होता है, और इंटर स्टेट में बहुत सारा माइग्रेशन ही होता है जो रूरल सेक्टर से लोग आके अर्बन सेक्टर में रोजी रोटी की तलाश में आते हैं. जयपुर, आप कोई भी शहर ले लीजिएगा, जयपुर प्रदेश हमारी राजधानी है तो मैं यहीं की बात करती हूँ, यहाँ पर भी स्लम्स बहुत हैं, और वहाँ पर हाई इंसिडेंस है. बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, चाहे वो गार्बेज पिकिंग में है, चाहे वो बैगिंग में है, मैलन्यूट्रिशन है, मदर्स मैलन्यूट्रिशन है. आंगनवाड़ी सपोर्टर केंद्र का यहाँ पर ये सपोर्ट सिस्टम नहीं है. ICDS अर्बन एरियाज में बहुत ज़रूरी है. कुछ सोच रहे हैं अर्बन सेक्टर में? हमारे टोटल जो है 40 प्रोजेक्ट्स जो 304 में है वो अर्बन सेक्टर्स में है, और स्निप के अंदर भी हमने अर्बन के लिए भी, जो स्लम्स के लिए भी हमने पायलट प्रोजेक्ट जो अभी उसको टेस्टिंग फेज में चल रहे हैं, और जो सेकंड फेज जो स्निप का हम जो अगले साल से आएगा, तो उसके बाद उनको अर्बन में भी लागू किया जा रहा है. और इस तरह से जो अर्बन जो हेल्थ मिशन आया है, उनका भी जो मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट का भी एक बहुत बड़ा फोकस अब अर्बन सेक्टर में होने जा रहा है. के लिए जो प्री स्कूल किट वगैरह होते हैं वो अवेलेबल है कि नहीं है, और चूंकि इतना नंबर बड़ा तादाद है 61,000 का, तो उसका जब तक कोई सिस्टम नहीं हो, तो एक तो जो ओवरऑल सिस्टम की जो है IT से इनोवेशन का बेसिस का सपोर्ट लेकर के उसको करना जरूरी है. एक दूसरा जो कन्वर्जेंस है, चाहे ICDS एंड मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट, जो दोनों की एक्टिविटीज़ है काफ़ी कुछ कॉमन है, वो एक दूसरे पर डिपेंड भी करती है. अगर न्यूट्रिशन स्टेटस अगर ICDS या हम उसके जो विभाग की गतिविधियों से इम्प्रूव नहीं कर पाते हैं, तो मैं समझता हूँ इसका डायरेक्ट प्रभाव मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट में भी पड़ता है. इसी तरह से जो हम इसको जो राजपोषण सॉफ्टवेयर भी हम लाए हैं, तो उसको हम लेटर ऑन इसको PCTS और आशा सॉफ्ट से भी हम इसको लिंक करके, और जो बच्चा अस्पताल में जो पैदा हुआ है, तो वहाँ से लेकर के उसको अगले 6 साल तक, जबकि वो स्कूल तक जाए,
उस तक का उसका ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग हो, तो ये जो कन्वर्जेंस जो दूसरा बिंदु है ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है। और तीसरा, आपने तीन बिंदु मुझे पूछे थे, तीसरा और अंतिम जो महत्वपूर्ण बिंदु है, समाज की भागीदारी हम कैसे सुनिश्चित करें, न केवल हम सरकार और सिस्टम के ऊपर रहे, समाज उस सिस्टम को कैसे चलाने के लिए आगे आए और उस मॉनिटरिंग टूल कैसे हो, वो भी जरूरी है। उसके लिए भी हम जो है नंदगर योजना को लेकर के आए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर पृथ्वीराज। धन्यवाद, नमस्कार।